बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। टफ डेज हैं और मुझे याद है मैंने आज प्राज इंडस्ट्रीज में लाया हूं इनफैक्ट, और मैं कश्मीर में था उस दिन, श्रीनगर में था। मैं 2 मार्च को ये स्टॉक दिया था और तब भी देखिए उस टाइम पे पीक पे था रशिया यूक्रेन क्राइसिस और क्रूड ऑयल बॉइल कर रहा था, और उस टाइम पे वापस से मैं इथेनॉल वाली थीम लाया था। और अभी भी लगता है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल कंट्रोल में नहीं आ रहा है और इथेनॉल वाली थीम पे सरकार वापस से एक्स्ट्राऑर्डिनरली फोकस करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और चीजें अभी भी बेहतर हो नहीं रही है और इतनी इजीली कंट्रोल में नहीं आएगा, और टेक्निकली देखें तो ये 135 140 डॉलर्स की भी लोग बाग बात कर रहे हैं। बट एनीवेज, ये सबको देखते हुए प्राज इंडस्ट्रीज मुझे बहुत बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे। और लास्ट टाइम भी जब दिया था तो 320 के लगभग दिया था और 448 के लेवल्स ये स्टॉक ने दिखाए हुए ऊपर के लेवल्स, और इस बार भी ये 400 के लेवल्स क्रॉस किया था। तो मुझे लगता है कि अब नीचे आया हुआ है, 300 आई थिंक 34 के लगभग है, 335 के लगभग। ये लेवल्स बहुत बढ़िया है, डाउनसाइड इस मुझे कम लगती है, बिल्कुल इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि ये लास्ट टाइम जब मैंने दिया था तब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए थे, इस बार मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स इस कंपनी ने दिए हैं। अब इस कंपनी के बारे में बात बताएं तो बहुत ही जबरदस्त प्रमोटर बैकग्राउंड है, टेक्नोक्रेट्स है जिन्होंने स्टार्ट किया 1985 में, पुणे में हेडक्वार्टर्ड ये कंपनी है और ग्लोबल प्रेजेंस है 75 कंट्रीज में, करीब 750 रेफरेंसेस क्लाइंट्स इनके हैं। और स्टार्ट किया था एक हम्बल बिगिनिंग थी, सप्लायर एज इथेनॉल प्लांट, बट आज वर्ल्ड की वन ऑफ द हॉटेस्ट कंपनीज, अगर ग्लोबल बायो इकोनॉमी 2021 की एक लिस्ट बनी थी उसमें से सेकेंड इन द लिस्ट थी वर्ल्ड टॉप 50 कंपनीज में। तो इस तरीके की ये कंपनी की पेडिग्री और इस तरीके की क्रेडिबिलिटी है कंपनी की। और अब मैं आता हूं फंडामेंटल्स पे, तो बहुत ही गजब के फंडामेंटल्स है। रेवेन्यू अगर इनका देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इंजीनियरिंग, बायो एनर्जी और हाई प्योरिटी इस तरीके से। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की जैसे मैं बात कर रहा था तो 52 करोड़ का पैट था मार्च 2021 में, उसके सामने 58 करोड़ का पैट था मार्च 2022 में। 23% 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 36% की रही है। एक जीरो डेट कंपनी, शुरू से ये जीरो डेट कंपनी रही है, मैं इसको कई सालों से वैसे रेकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। और मल्टी बैकर रिटर्न्स और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाली ये कंपनी है। और अगर हाईएस्ट एवर अगर आप टीटीएम बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट्स 150 करोड़ कंपनी ने कमाए हैं, और एफआईआई और डीआईएस का गजब का भरोसा है कंपनी के ऊपर। प्रोमोटर्स के अलावा करीब 22-23% एफआईआई डीआईएस होल्ड करते हैं। इन सब को देखता हूं और प्लस माहौल को देखता हूं और डाउनसाइड रिस्क को देखता हूं, तो इस स्टॉक को स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे बाइंग की जा सकती है और आराम से ये स्टॉक 390 के टारगेट